एडवांटेजेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं पर्सनल सेलिंग के। पहला है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। देखो अगर हम एक सेल्समैन हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम उसको सैलरी वगैरह देंगे, उसका एक्सपेंस बेयर करेंगे, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कैसे कम हुई? कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए। कोई बता सकता है इसका लॉजिक क्या है जो मैंने ये लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा? बताओ। देखो जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है किसी चीज़ को, एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो वाली कॉस्ट बहुत कम हो जाती है जब वो इंसान पर्सनल सेलिंग पे आता है। तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं लगता है, वो डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन कर सकता है हर चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए कॉस्ट बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली अदर मार्केटिंग कॉस्ट से। वेस्ट बहुत कम होता है पर्सनल सेलिंग में, वेस्ट बहुत कम होता है। हम खुद जाते हैं, परचेज करते हैं, अपना नीड्स बताते हैं, सामने वाला भी हमको हमारे नीड्स और डिज़ायर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स और जो मार्केट में ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सेल करता है और हम परचेज करते हैं। तो इससे चांसेस होते हैं कि वेस्ट नहीं हो। दूसरा, इट कैरीज द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी। फ्लैक्सीबिलिटी क्या होता है बताओ? बहुत सिंपल वर्ड है। इट कैरीज द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा बताओ? फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? देखो हमको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो हम उसको नहीं लेंगे। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है। जो चीज़ हमको पसंद नहीं है वो हम परचेज नहीं करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई ना इसमें, अपन को चॉइस मिलेगी इसमें सब चीज़ के रिगार्डिंग। हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हैं। एक एक घंटा जाते हैं आप लोग शॉप्स वगैरह में, कुछ परचेज करना होता है तो आप लोग सारा सारा दिन भी निकाल लोगे, तुम्हारा बस चले कहीं पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। तुम ड्रेसेस वगैरह लेने जाओ तो हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, ट्रायल वगैरह ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत होती है। इट फैसिलिटेट्स द कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर खुद आ रहा है उसको परचेज करने के लिए, इसलिए वो फैसिलिटेट्स। इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे है, वन वे नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है वो एक तरीके से वन वे है। देखा जाए तो एक वेबसाइट इंटरनेट रिप्लाई करता है उसमें, ऑनलाइन सेलिंग में तो वन वे होता है क्योंकि हम ही चूज कर रहे हैं सब कुछ, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स ले रहा है ऑनलाइन में। लेकिन जब हम यहाँ से रहते हैं तो हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, हमें डिस्काउंट मिलता है, हमको वैरायटीज मिलती हैं, हमको सामने वाले से बात करने का वो मिलता है। तो ये इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो, इसमें 6 पॉइंट है पर्सनल सेलिंग का। इट्स गोल इज टू एक्चुअली मेक अ सेल। ये इसका डायरेक्ट टारगेट होता है कि उसको सेल करना है। किसको? पर्सनल सेलर को। इट्स गोल इज टू एक्चुअली मेक अ सेल डायरेक्ट। हमको भी पता है कि वो, हम जो पर्सनल सेलर है वो डायरेक्ट सेल करने के लिए ही बैठा है। तो बताओ इसमें किसी पॉइंट में डाउट है तो, 6 पॉइंट्स में किसी को भी बताओ। मैम देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट बता दो। इट्स गोल इज टू एक्चुअली मेक अ सेल, उसका मेन टारगेट क्या होता है पर्सनल सेलर का? मेन जितना भी वो इंटरैक्ट करता है हमसे, इतना क्या फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, कहीं पे भी जाओ, स्कीम्स वगैरह बताएंगे आपको, अच्छे से प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, तो उनका मेन एम क्या होता है, माइंड में उनका मेन टारगेट होता है कि उनको सेल करना है। जो पहला पॉइंट है उसको बहुत हमेशा फर्स्ट में लिखना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो पर्सनल सेलर है उसका मेन एम क्या है, सेलिंग करना। तो वो जितना ज्यादा सेल करेगा उतना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, और कंपनी का जितना टर्नओवर बढ़ता है उतना कंपनी का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो कम होते जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, जैसे कंपनी का सेलिंग बढ़ेगा तो पहले जो चीज़ वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज 12,000। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कॉस्ट उतना कम होते जाता है। तो ये इसके मेन है। इसमें दो और ऐड कर लो, जैसे ये इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, सेम लिख सकते हो इट रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट। इट्स रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट।
एक और ऐड करो इसमें, कम से कम 8 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आप लोग एग्जाम में, कम से कम 8 पॉइंट. इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड क्लियर कट फीडबैक. आपको तुरंत फीडबैक मिलता है कि नहीं? इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड क्लियर कट फीडबैक. जो अपन डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो कंज्यूमर क्या होता है, कंपनी की पॉलिसी के बारे में भी पूछता है. अगर हमको कोई कंप्लेंट है तो वो बताते हैं कि आप इतने दिन में प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं. आप चाहे तो उसमें हमारे साइट पे जाके ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं. तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जब अपन डायरेक्ट बात करते हैं तो सब कुछ क्लियर रहता है. क्लियर है एडवांटेजेस के 8 पॉइंट? कोई डाउट है इसमें तो पूछो. पूछना है किसी को कुछ? सब एक साथ? नो मैडम. वाह, तो बोर. चलो नेक्स्ट देखो. डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग के डिसएडवांटेजेस बताओ. तुम लोग बताओगे यार, तुम लोग कुछ बोलते बोलते नहीं हो क्लास में, इंटरेक्ट करो. कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट है और डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है सब कुछ. बताओ, जब आप लोग खुद लेने जाते हैं सपोज खुद सामने से, तो आपको डिसएडवांटेजेस क्या लगता है बताओ? ऑनलाइन सेलिंग के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव लगता है? जब अपन ऑनलाइन सेल लेते हैं या जब डोर टू डोर जब कोई सेलिंग करने आता है, तो क्या इसमें से आपको उसके डिसएडवांटेजेस लगते हैं? वैरायटी बहुत कम हो जाती है उस पॉइंट पे. लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन देखते हैं तो आपके पास एन नंबर ऑफ वैरायटीज होती है. यहाँ पे जब आप पर्सनल सेलिंग पे जाते हैं तो लिमिटेड स्टॉक रहता है और आपको उसमें से ही चूज करना पड़ता है. लेकिन कंपैरेटिवली जब आप दूसरा टाइप्स ऑफ सेलिंग देखेंगे तो उसमें वैरायटीज बहुत मिलेगी, लिमिटेड नहीं रहेगा उसमें. प्लस कंज्यूमर्स, वो लोग जो अटेंड करते हैं कस्टमर्स को पर्सनल सेलिंग में, वो एक टाइम पे एक ही को देख सकते हैं. तो जब फेस्टिवल सीजन होता है इंडिया में या कुछ और, तब क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि बहुत रश हो जाता है. लेकिन जब अपन ऑनलाइन पे जाते हैं तो रश नहीं होता है, वैरायटी सब कुछ सामने है. तो ये इसका डिसएडवांटेजेस, इट अकोमोडेट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर एट अ टाइम. और बताओ आप लोग अपनी तरफ से कोई डिसएडवांटेजेस? बताओ. It is not an effective tool for obtaining consumer awareness about a product. Consumer awareness होता है किसी product के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये सब अगर देखा जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है एडवर्टाइजिंग से कंपैरेटिवली पर्सनल सेलिंग के. पर्सनल सेलर का एक ही काम होता है, टारगेट है कि उसका अल्टीमेट एम उसका क्या होता है, सेल करना. उसका ये कोई एम नहीं होता है कि वो आपको अवेयर करवाए प्रोडक्ट के बारे में. तो ये वाला जो टास्क है प्रोडक्ट अवेयरनेस का, ये वाला एडवर्टाइजिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है. इसका फोर्थ डिसएडवांटेजेस लिखो, गुड एंड कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन आर नॉट इजली found. Good and competent sales person are not easily found. ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अच्छे सेल्समैन ही मिले आपको.
कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जाते हैं एंड यू फाउंड दैट कि वो बहुत रूड है, उनको बात करने का वे नहीं है, या बहुत सारा ऐसा चीज होता है। तो हमेशा अच्छे और कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन मिले सब जगह पे आपको, तो ये जरूरी नहीं होता है। और बताओ कोई ऐड कर सकता है? मैम जितनी वैरायटी ऑनलाइन में रहती है उतनी नहीं रहती नॉर्मल हाँ वो, शॉप्स पे। हाँ हाँ ये मैंने फर्स्ट में बताया था शायद, वैरायटी मैम नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है वैरायटी। और कुछ ऐड करूँ कुछ नया जो मैं बताना भूल गई हूँ और तुमको लगता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग में जितना डिस्काउंट्स वो अवेलेबल रहते हैं और ऑफर्स चलते हैं वो उसमें हाँ नहीं वो रहते। सब इसमें नहीं रहता है। और बताओ रोमिल कुछ बोल रहा था, मैम ट्रेनिंग कॉस्ट आएगा मैम। ट्रेनिंग कॉस्ट। हाँ हाँ ये देखो ये जो बताया ना मैंने कंज्यूमर अवेयरनेस, वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि देखो वो हमको इतना इजीली अवेयर नहीं कर सकते हर चीजों को रिगार्डिंग। तो और बताओ और कुछ कोई बोल सकता है? आयुष चुप बैठा है आज क्लास में, मेरी क्लास में तो मुझे लगता है दो तीन लोग ही रहते हैं, एक मैम प्रियंका अभी रोमिल बस। नहीं मैम अभी तुम्हें आंसर दिया था तो ये मैं कंफ्यूज क्यों होती हूँ, मैम। आयुष हाई हाई रोमिल जॉब आवाज टर्न में ओवर हाई हाई मैम हाई जॉब टर्न ओवर होगा मैम। जॉब टर्नओवर कैसे बेटा? मैम जैसे मैम सेलर्स मैम जो सेल पर्सन लोग रहते हैं मैम लोग कभी भी जॉब छोड़ देते हैं फिर नए को करना रहता है हाँ उसमें। हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा है कि वो लोग टिकते नहीं है, टेम्पररी पे रहते हैं। तो ये देखो ये सब जो आपने अभी पॉइंट्स बोले ये आप इसमें लिख सकते हो। प्रियंका का एक पॉइंट था तो वो उसमें ऐड कर सकती है, किसमें? सेकंड वाले पॉइंट पे। और जो रोम जो अभी आशीष क्या नाम था, आयुष, वो तुम ऐड कर सकते हो फर्स्ट वाले में, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव में, क्योंकि वो लोग टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी की कॉस्ट उससे बढ़ जाती है। और जिसमें ये लिखा है मैंने, इट अकोमोडेट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर एट अ टाइम, प्लस इसमें प्रियंका ऐड कर सकती हो कि लैक ऑफ वैरायटी आल्सो, या अलग से इसका एक पॉइंट बना सकती हैं लैक ऑफ वैरायटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का कंटिन्यूअसली पूछता है ना, तो अच्छे से रेडी करना ये क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो ये एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस। स्कोप क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? स्कोप